सोलन का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सूलनी मेला माता सूलनी की शोभा यात्रा से आरंभ होता है और 3 दिनों तक चलता है। माता पहले दिन अपने मंदिर से सोलन शहर की परिक्रमा करते हुए अपनी बहन को मिलने गंज बाजार स्थित सूलनी पीठ मंदिर में आती है और तीसरे दिन रात को माता अपने घर सूलनी मंदिर आ जाती है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते सूलनी मेला नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सोलन वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं प्रशासन माता की शोभा यात्रा पर रोक ना लगा दे। इसके लिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को निवेदन किया है कि वे माता की शोभा यात्रा पर रोक ना लगाएं और माता को अपनी बहन से हर सूरत में मिलने दें। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि माता सूलनी अपनी बहन से मिलने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने मंदिर में गंज बाजार मंदिर आती है। ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है, इस परंपरा को मत टूटने दें। इसके लिए जिला प्रशासन जो आदेश सोलन के व्यापारियों को देगा वह उसे सहज स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार ये परंपरा टूटी थी तो सोलन वासियों को उनके क्रोध का सामना करना पड़ा था और शहर में देवीय प्रकोप भी देखने को मिला था। इसके लिए वे चाहते हैं कि माता सूलनी का अपनी बहन से मिलन किसी भी सूरत में न रोका जाए। व्यापारियों ने कहा कि वे मानते हैं कि माता सूलनी के आशीर्वाद से अभी तक कोरोना संकट शहर से दूर रहा है और किसी भी तरह की आपदा विपदा शहर को छू नहीं पाई है। इसके लिए इस परंपरा को ना टूटने दिया जाए। ये परंपरा ना टूटे और सोलन कोरोना संक्रमण से भी सुरक्षित रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन ने मंथन आरंभ कर दिया है और सभी अधिकारियों से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन भी चाहता है कि देवीय परंपरा नहीं टूटने चाहिए। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन इसको लेकर योजना बना रहा है कि किस तरह सूलनी माता को अपनी बहन से मिलाया जा सकता है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों की हेलना भी ना हो और ना ही परंपरा टूटे। ये एक बड़ा ही पावन पर्व है और ये जो है राज्य स्तरीय मेला हमारा मनाया जाता है, इसमें बड़ी धार्मिक आस्था जुड़ी है। जो ये मेला है ये गत लगभग 200 वर्षों से मनाया जा रहा है और जिसमें से ये प्रथा चली आ रही है कि माँ सूलनी जो है अपनी बड़ी बहन माँ भगवती के दर्शन करने के लिए उनको उनके साथ मुलाकात मिलने के लिए गंज बाजार में पूरी नगर परिक्रमा करके वो गंज बाजार में रात तक आती हैं और 3 दिन का ये मेला रहता है। तो इस समय आप ये जानते हैं कि वैश्विक बीमारी COVID-19 चल रही है, जिसके अंतर्गत जो है पूरे देश के अंदर सब जगह पर ये जो धार्मिक स्थान हैं जो बंद थे, लेकिन उसके पश्चात सरकार की गाइडलाइंस के बाद ये खोल दिए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से डिप्टी कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से ये अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये एक परंपरागत मेला है जिसके अंदर लोगों की आस्था बड़ी जुड़ी है, हम बड़े भीतर से जुड़े हैं और माँ की असीम कृपा है। और आपको एक बात मैं ध्यान लाना चाहूँगा कि आज से लगभग 30 साल पहले भी ऐसी ही अवस्था आई थी जिसमें सूलनी माता का मेला नहीं मनाया गया था। उस समय भीषण प्रकोप हुआ था और सोलन में हैजा बीमारी फैली थी। तो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलन व्यापार मंडल ने आपको लिखित रूप में दिया है कि हम आपको सुबह उस दिन शुक्रवार जो कल ही है हम जो है पूरा बाज़ार बंद रखेंगे, माता की झांकी जो है आप ऑनलाइन दर्शन कराएं। आप भक्तों को देखो, देवी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकते लेकिन ऑनलाइन जैसे हम माँ वैष्णव देवी माता के रोज़ सुबह दर्शन करते हैं, उसी तरह से पूरे नगर में परिक्रमा हो और उसके बाद आप माता वैसे ही अपने स्थान पे जाएं और धूमधाम से मेला ना मना पाएं लेकिन एक परंपरागत रूप से इसको मनाया जाए, जिसके अंतर्गत हम आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि ये एक ऐसी आस्था का प्रश्न है और हमारे प्रदेश के और इवन देश के और दूर दूर से लोग यहाँ पर चल के आते थे, लेकिन इस महामारी के कारण लोग नहीं दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसके ऑनलाइन दर्शन कराने का व्यवस्था कर दे सरकार, साथ ही साथ जो है हम कर्फ्यू के लिए भी पूर्णतः रूप से तैयार हैं। आप उसके अंदर जो है आपसे कर भर प्रार्थना कर रहे हैं हम अपने सोलन डिप्टी कमिश्नर से कि आप इसकी व्यवस्था कीजिए। अगर ये भी संभव नहीं है आपके लिए तो आप कृपा जो है रात को 8 बजे के पश्चात, क्योंकि आपको परंपरा का पता है रात को 12 बजे गंज बाजार में माता पहुंचती थी, अगर ये भी संभव नहीं है तो सरकार से हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि 8 बजे रात को कर्फ्यू इम्पोज हो जाता है, 8 बजे के बाद आप ऑनलाइन दर्शन कराएं माता को, उसी तरह से डोला ज़्यादा लंबा ना निकाल पाएं तो माँ सूलनी की माता मंदिर से लेके और गंज बाजार मंदिर तक आए और ऑनलाइन ही दर्शन करा दिए जाएं। मैं प्रवीण गुप्ता माल रोड सोलन से मतलब ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सूलनी माता मेला जो है वो परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस परंपरा को चलने दें
अन्यथा लोगों के दिमाग में वर्जन आता है, जैसे कि पहले 30 साल पहले भी एक बार ऐसा हुआ था और उस परंपरा में टूटने की वजह से कुछ बीमारियां फैली थी शहर के अंदर, तो ऐसा ना हो और मतलब ना ही लोगों के दिमाग में भ्रम जाए कुछ ऐसा। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, शहर के दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर DC साहब बोलते हैं कि दुकानें बंद करनी है उस दिन, तो बिल्कुल दुकानदार साथ हैं और साथ देंगे। जो हमारा सोलन महाबाई माँ शूलनी की हजारों सालों की आस्था है, माता का डोला निकलता है, वो अपनी बहन को मिलने जाती है, अपनी बहन के घर रहती है 3 दिन, उसके बाद हम सोलनवासी माता को विदा करते हैं, ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है इस, क्योंकि इस शूलनी देवी महाबाई की बहुत कृपा है सोलन शहर पे। हम व्यापारी प्रशासन का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, अपनी दुकानें बंद करने को तैयार हैं, जैसा प्रशासन हमें कहेगा हम वैसा करने को तैयार हैं, लेकिन महामाई को उसकी बहन से मिलवाना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। हम अपनी दुकानें बंद कर रखने को तैयार हैं और जो प्रशासन हमारे से सहयोग मांगेगा वो हम करने को तैयार हैं। हम भंडारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि भंडारे लगाएंगे तो रश होगा, हम भंडारे नहीं लगाएंगे। हम वैसे भंडारे लगाते हैं, पिछले 1992 से मेरी ये दुकान है, तो 1992 से लगातार हम यहाँ पे अपनी दुकान के बाहर, ये हमारा जो मोहल्ला है, हम भंडारा लगाते हैं, तो हम वो भंडारा भी इस बार नहीं लगा रहे हैं। लेकिन माता की परिक्रमा निकले, वो अपनी बहन के पास आए, मिलन हो दोनों बहनों का, ये एक परंपरा है, ये टूटनी नहीं चाहिए।